हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। एंड आपको टैगलाइन देख के समझ में आ गया होगा दैट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ट्रिप। तो 3 डेज के लिए हमने प्लान किया है। वी आर गोइंग टू वैगामन, जो कि केरला में ही है, लेकिन यहाँ से 5 आवर्स लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे हम अपने ही कार में जाने वाले थे, लॉन्ग ड्राइव होने वाला था, मानसून का टाइम था, ग्रीनरी देखे साउथ इंडिया में उसका मजा तो कुछ और ही है। तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो आधे रास्ते में आके हम लोग पहुंच चुके हैं और 2.5 आवर्स लगेंगे हमें वैगामन में पहुंचने के लिए। को नोटिस मिला था दैट केरला एंड तमिलनाडु में होने वाला है हेवी रेनफॉल, तो थोड़ा सा हम डरे हुए तो थे कहीं कुछ ज़्यादा फ्लॉड व्लॉड ना हो जाए, लैंडस्लाइड ना हो जाए। यू नो, सारे नेगेटिव थाट्स आते हैं जब आप खुद ड्राइविंग करके माउंटेन्स में जाते हो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम एंटर किए माहौल तो कुछ और ही था। यही दिन होने वाला है गाइज, आप देख सकते हो व्यू इतना अच्छा मिलेगा आपको विद क्लाउड्स, विद फुल ऑफ ग्रीनरीज, प्योर अच्छा लगेगा आपको। तो हमने ये रिजॉर्ट बुक कर रखा था, ये था मॉस एडम्स प्राइवेट विल्ला। तो हमने पूरा प्राइवेट विल्ला ले रखा था, ये 2 डेज के लिए 10,000 हमने पे किया था। सो एक्चुअली क्योंकि हम वीकेंड में गए थे, हमको और कुछ भी नहीं मिल रहा था प्रॉपर्टी, तो ये हमें जो मिला ये भी, और मुझे भी थोड़ा ऐसा चाहिए था जो कि सिटी से थोड़ा बाहर हो, थोड़ा सा माउंटेन एरिया में, एंड थोड़ा सा जिसमें जहाँ पे नॉइज़ कम हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था मेरे रिक्वायरमेंट्स के साथ। आई रियली लव्ड द स्टे। दिन लंच करने के लिए हम निकल पड़े सिटी के तरफ। हमें लगभग 30 to 35 मिनट्स लगा क्योंकि हम काफ़ी ऊपर स्टे कर रहे थे। एंड वहाँ से व्यू आप देखो, इतना सुंदर व्यू मिलता है, टी गार्डन भी आसपास मिल जाता है, बहुत ही अच्छा स्टे था। तो वहाँ से जब हम गए तो देखे कि बाहर एकदम इवनिंग जैसा लग रहा था। इट वॉज ओनली अराउंड 1:30 or 2, बट बाहर देख के आपको लगेगा नहीं ऐसा। तो जैसे ही हम बैठे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, हमने अचानक से नोटिस किया कि पूरा क्लाउड जो है वो धीरे धीरे भर रहे हैं सिटी के अंदर। लिटरली बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था एंड अचानक से रेनफॉल होना स्टार्ट हो गया। देन हम जो गए मीडोज में, वैगामन मीडोज देखने के लिए, इट इज़ वन ऑफ देयर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। तो वहाँ पे उन्होंने डेंजर जोन बता दिया कि यहाँ पे काफ़ी लाइटनिंग होने वाला है, तो आप अंदर ना जाओ ही तो सही है। तो हमने बाहर से ही फोटोज एंड वीडियोज लिया एंड हमने सोचा कि अराउंड 5 or 6 हम चल जाते हैं रूम, क्योंकि आप देख सकते हो कितना स्केरी लग रहा है। तो आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा, क्योंकि हम डिनर करने से पहले सोचे कि चलो थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं एंड फोटोज़ वोटोज़ लेते हैं, क्योंकि विला के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें थे। आप अगर बाहर का व्यू देखोगे तो सबके ही प्राइवेट विलाज थे, आप जैसे कि हमारा है वैसे बहुत सारे बने हुए थे। तो सभी निकल के आ गए थे रात को देखने के लिए कि बाहर का नज़ारा क्या है, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट के अंदर थे, एकदम माउंटेन के अंदर थे, तो आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, सिर्फ आपको खुद के रिजॉर्ट के लाइटिंग्स और रूम दिखने को मिलते थे। सो काफ़ी स्केरी था रात को, लेकिन सुबह सुबह जब हम उठे, ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट द नज़ारा यू गाइज, इट वॉज अराउंड 6:30 or 7। ये मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, जब हम उठे घूमने जाने के लिए तो देखा कि बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा क्लाउड, फुल ऑफ क्लाउड एंड बारिश भी हो रहा था। और हमने सोचा कि हम ये चांस कभी मिस नहीं करेंगे एंड हम चलो और ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं क्या क्या व्यू है देखने के लिए, क्योंकि आज हमारे लिस्ट में था कि हम लोग जाएंगे ग्लास ब्रिज देखने के लिए। तो हम निकल पड़े थोड़ा बहुत शॉपिंग करके, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे जो लोकल चीज़ें हैं ना मिलते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत लिया हम लोगों ने, बच्चों के लिए चॉकलेट्स एंड चाय पत्ती एंड ऑल। देन हम निकल पड़े हमारे मेन डेस्टिनेशन के तरफ, दैट इज़ एडवेंचर पार्क। सो एडवेंचर पार्क एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर अगर आप एंटर करते हो एक ही जगह में आपको बहुत कुछ एक्टिविटीज भी मिल जाता है करने के लिए, उसके साथ ग्लास ब्रिज भी मिल जाता है, साइकिलिंग, जिप लाइन एंड एवरीथिंग वाज देयर, बॉटनिकल गार्डन वगैरह भी था। तो हमने एंटर किया उस एरिया में एंड आप दूर से ही देख सकते हो व्यू क्या है, वो जो पूरा ऊपर लिखा हुआ है ना वी लव वैगामन, हम वहां तक जाने वाले थे। तो आप सोचो कि ये जो सफर है कितना ब्यूटीफुल रहेगा। सो लेट्स गो। Everything was there. At Adventure Park and हम यहाँ पे आए हैं ग्लास ब्रिज, जो कि वैगामन का सबसे फेमस प्लेस है देखने के लिए। ग्लास ब्रिज जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट, यहाँ का वैगामन का लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज में से एक है, वायनाड में भी एक है लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड टू सी दैट। चलो, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है एडवेंचर पार्क में, जिप लाइन वगैरह भी है।
यहाँ पे टिकट कर सकते हो। अचानक से फिर से क्लाउड आ गया है। वाह, तो वहाँ पर जाके पता चला ईच एंड एवरी एक्टिविटी एंड ईच एंड एवरी प्लेस के लिए आपको अलग अलग से टिकट करना पड़ता है। ग्लास ब्रिज के लिए हमने टिकट किया ईच पर्सन 250 रुपीज़, तो काफ़ी महंगा था। महंगा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ आपको 5 मिनट्स के लिए रहने देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे लगा कि 5 मिनट्स के लिए 250 रुपीज़ इज़ लाइक टू मच, बट एनीवेज जो व्यू हमने देखा एंड जो एक्सपीरियंस था वो वर्थ द मनी वाला चीज़ था। आप देख सकते हो नीचे पूरा माउंटेन के ऊपर हम माउंटेन व्यू देखने को मिल रहा है, चारों तरफ क्लाउड थे, क्लाउड के अंदर घिरे हुए थे एंड वो थोड़ा थोड़ा शेक भी कर रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज था। तो ओ माय गॉड, ये एक्सपीरियंस तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़, जितना टाइम हमारे पास था ना हमने ट्राई किया फ़ोटोज़ वीडियोज़ एंड सब कुछ ले ले एक्सपीरियंस भी, एंड उसके बाद हम निकल पड़े ऊपर जाने के लिए। एंड ऊपर जाने के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ पे नीचे पार्किंग करके। तो आई वॉज़ अ बिट लाइक यू नो स्केर्ड कि हम कैसे चल के इतना ऊपर जाएंगे तक जाएंगे, बट एनीवेज़ मैंने अपना शूज़ पहन रखा था तो हम चल पड़े। एंड यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियो शूट करने के लिए प्लेसेस थे तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़े फोटोज एंड वीडियोस लेने में। मैं धीरे धीरे फोटोज एंड वीडियोस डालूंगी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना एंड वहां पे जाके चेक करना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए थे व्हील ऑफ वागामन, मतलब लिटरली वहां तक आप पूरा ऊपर जाके बैठ के भी फोटो ले सकते हो, लेकिन मैं पूरा एंड पे नहीं गई, मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ तक आई एंड यहाँ पे देखा मैंने। वी आर डन विद दिस प्लेस एडवेंचर पार्क एंड ग्लास ब्रीज एंड एवरीथिंग। एक्चुअली द व्यू इज़ ब्यूटिफुल, चिली विंड, बहुत ही अच्छा माहौल है, ग्रीनरी ऑल अराउंड यू कैन सी। वी क्लिक सो मेनी पिक्चर्स, नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। ठीक जा रहे हैं बिकॉज अभी हमको करना है लंच एंड बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है बिकॉज पूरा नीचे से ऊपर, लाइक लिटरली नीचे से ऊपर आए हैं हम पैदल ही। सो लेट्स गो एंड हैव लंच, दिन उसके बाद चलते हैं और किसी प्लेस पे। अगर आप वागामन आ रहे हो तो डेफिनेटली ये वाला रेस्टोरेंट जाना जहाँ पे हमने पूरा 3 दिन लंच एंड डिनर किया है, दैट इज़ चिनोज। तो एक्चुअली लंच हमने 2 दिन किया, डिनर क्योंकि हमारे जो प्राइवेट विला है वहाँ पे भी मिल रहा था तो हमने वहाँ पे प्रेफर किया। सो आप देख सकते हो नेक्स्ट हम चल पड़े पाइन वैली की तरफ। अब तक काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगा था एंड यहाँ पे अम्ब्रेला वगैरह भी मिल रहा था लेकिन काफ़ी कॉस्टली, मतलब 400-500 ये अम्ब्रेला के लिए हम देने के लिए आई वॉज़ नॉट रेडी। सो इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई थोड़ा बहुत देख के ही आ जाते हैं, हालांकि मैंने पहले बहुत सारे पाइन वैलीज देख रखी है सो इसलिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम इतना दूर आए थे तो सभी इंसिस्ट कर रहे थे कि यू नो चलो देख के आते हैं देख के आते हैं। सो हम निकल पड़े, बहुत सारे शॉप्स थे अटेम्प्ट करने के लिए क्योंकि हम लड़की लोग हैं ना, हम जहाँ पर जाते हैं हमको मन ही कर जाता है कि बहुत सारे शॉपिंग करें। तो अपने आप को मैंने कंट्रोल किया एंड हम निकल पड़े पाइन वैली की तरफ। अंदर जब आप जाते हो तो बहुत लॉन्ग रोड है, आपको पूरा चल के जाना पड़ेगा टू सी द परफेक्ट एंड फाइनल व्यू। तो मैं तो नहीं गई, मैंने क्या किया, मैं आधे रास्ते तक गई जहाँ तक मुझे अच्छा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मिल पाए, तो हम वही किए एंड यहाँ तक मुझे काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मिल गए। तो हमने सोचा कि मैं और यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी।